हर टर्मिनल को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसमें लिफ्ट की भी सुविधा हो, सीढ़ी की भी सुविधा हो। और एक हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं दिखा रहा हूं पटना का बस स्टैंड जो नया वाला है आईएसबीटी। तो यहां पे बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है पहले से। ये सब सेट वगैरह जो देख रहे हैं ये सब नया लगा है। वो जो देख रहे हैं वो आम लोगों के जहाँ आने जाने के लिए ये वाला सीढ़ी, तो ये भी नया लगा है। और इस तरफ मेट्रो स्टेशन का कार्य चल रहा है। ये मेट्रो स्टेशन का जो देख रहे हैं आप, ये स्टेशन लास्ट स्टेशन होगा इस साइड से। अभी प्रेजेंट में, फ्यूचर में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये आईएसबीटी बस स्टैंड है और मैं इसका ही मेन डेवलपमेंट दिखाऊंगा। तो ये स्टेशन का भाग होगा और यहाँ पर ये आगे में जाके इस साइड से इस सब पूरा यार्ड है। तो सब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, कोशिश कर लूँगा दिखाने का। और यहाँ से जो है कि ये सीधे जा करके और फिर इस तरफ पटना की ओर चली जाती है, पटना जंक्शन की ओर, दानापुर की ओर। तो चलिए अभी मैं फिलहाल आपको बस स्टेशन के लिए गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ से खुलती है उसका क्या डेवलपमेंट है वो बताऊँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस तरफ जो है कि गया है, गया हो गया, रांची हो गया, ज़्यादातर गाड़ियाँ जाती हैं। तो आपको इसी साइड के लिए, यहाँ से गया के लिए गाड़ी मिल जाएंगी, डोभी के लिए मिल जाएगी, ये सब गाड़ियाँ गया की ओर जाती हैं। और यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाती हैं। ये गेट टू है जो गाड़ियाँ इन करती हैं कहीं से भी आती है। तो देखिए जिस तरीके से अमर ज्योति है, शायद सीतामढ़ी से आ रही है, और वो गेट नंबर वन है, तो वहाँ से गाड़ियाँ निकलती है। तो सारी गाड़ियों का डिटेल है, अभी भी देख सकते हैं आप, कब्जा हो गया है, बहुत सारा दुकान लगाया जा सकता है। तो देखें कि निर्माण के लिए गार्ड वगैरह के लिए यहाँ पर अभी बनाया जा रहा है। यहाँ पर लाइटिंग के लिए जो देख रहे हैं टावर, ये बनाया जा रहा है। सीढ़ी के लिए ये बनाया जा रहा है। तो बहुत कुछ डेवलपमेंट, ये सब नया है, ये सब पहले से नहीं हुआ। ये शेड जो देख रहे हैं ये सब नया है। और बाहर के लिए गाड़ियाँ यहाँ आके लगती है, खुलती है उस साइड से। तो हर तरफ के लिए यहाँ से गाड़ी खुलती है, चाहे वो बनारस के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, कलकत्ता के लिए हो, रांची के लिए हो। टाइमिंग नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सब अक्सर दूर की गाड़ियाँ शाम में खुलती है, 4 बजे 3 बजे तक। यहाँ से ऐसे बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर से लगभग 3000 से प्लस गाड़ियाँ खुलती हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है। यहाँ पर ग्रीनरी के लिए देख सकते हैं आपके पेड़ पौधा भी लगाया जा चुका है। और हॉर्न वगैरह रहेगा इसमें साउंड, तो माइंड साउंड के लिए माइंड मत कीजिएगा। ये सब नया बनाया गया है जो देख रहे हैं आप, सब लाइट वगैरह व्यवस्था की गई है, बहुत सारी व्यवस्था, जो गाड़ियाँ जिस तरह से खुलेंगी वो सारी सब सुविधाएँ हैं। और अभी भी निर्माण चल रहा है इसका, कम से कम 5 साल निर्माण चलता रहेगा। यहीं पर जो पटना का जो गांधी मैदान में बस स्टैंड है करके आएगा, 5 एकड़ कहीं पर जमीन लिया गया है। तो फुलवाड़ी में कुछ गाड़ियाँ शिफ्ट हो गई है, तो मैं बहुत जल्द उसका भी अपडेट दूंगा। तो ये देखिए कि ये आम लोगों के लिए है, ये जो देख रहे हैं कि लोग इधर इस तरफ से इस तरफ आएंगे फिर उतरेंगे। तो यहाँ से भी है कुछ है, इसमें मॉल वगैरह सब कुछ है, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो काफ़ी शानदार बनाया गया है, एकदम हाईटेक है ये बस स्टैंड। कम से कम यहाँ पर अगर बस की बात करो तो 1000 प्लस बस लगा हुआ है। कैपेसिटी क्या है वो बता नहीं सकता हूँ, काफ़ी पुराना न्यूज़ हो गया तो खोजने पर नहीं मिला। लेकिन दो जगह सेट आप देखिए, बड़ा ही शानदार है। बड़ी बड़ी बसें लगी हुई हैं, पटना हाजीपुर के लिए बस भी यहाँ लगी हुई है। तो सारी जगहों के लिए यहाँ से बस खुलती है। जो जगह पर जाना हो आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आम पब्लिक के लिए उतरने के लिए है। तो बीच बीच में पेड़ का इंतजाम किया गया है। और इस तरफ से हो सकता है कि ये लिफ्ट हो या फिर लोग ये सपोर्ट के लिए दिया हुआ हो, फिर उस तरफ से लोग सीढ़ी से उतरेंगे तो भी मैं दिखाता हूँ। तो अंदर में 2 गेट हैं यहाँ पे, देखिए 2 गेट नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर गेट की व्यवस्था है, लिफ्ट की भी व्यवस्था है, यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है बड़े बड़े। और इस तरफ भी व्यवस्था है, ये सीढ़ी के लिए भी देख सकते हैं आप कि बनाया जा रहा है, लोग जिनको उतरना होगा सीढ़ी से उतरेंगे। सेट वगैरह जो भी दिया जाएगा, जो भी सुविधा होंगी, जैसे जैसे मैं कंटिन्यू इसका अपडेट दूंगा। यहाँ पर टिकट काउंटर ये सब होगा आम लोगों के लिए, चढ़ने के लिए है ऊपर। तो सेट की बात करूँ तो इस तरफ भी गाड़ियाँ लगाने के लिए सेट है, जो छोटी बड़ी जगहों के लिए गाड़ियाँ खुलती हैं। मैं एक ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी जगहों के लिए खुलती है, छोटी सारी जगह के लिए खुलती है, जहाँ जहाँ के लिए आपको हो सकता है। जैसे रांची के लिए है, उड़ीसा के लिए है, झारखंड के लिए है, रांची अलग बोलो, झारखंड में बहुत सारा, जैसे कोडरमा है, डाल्टनगंज है, तो इन सब जगहों के लिए यहाँ से गाड़ी खुलती है। तो ये गेट नंबर 1 है जहाँ पर आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। गाड़ियों का टाइम मालूम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो एक रैंप है जो आम लोगों के लिए है कि लोग जो आएंगे तो उस पर ऊपर चढ़ करके उनको छोड़ दिया जाएगा, फिर वो वहाँ से अपना, जिनका गाड़ी लेट हो तो अपना मार्केट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सिनेमा हॉल की सुविधा सारी होंगी, फिर वो सीढ़ी से आ सकते हैं। वो वाला जो देख रहे हैं सीढ़ी जो मैं दिखाया आपको, ये वाला, तो इससे लोग उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं, उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में। टर्मिनल 1 है, तो इसी तरीके से टर्मिनल 2 है। कभी कभी मैं बोलने में लड़खड़ा जाता हूँ तो इसको माइंड मत कीजिएगा। और ये पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल के नाम से है, ऐसे अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भी इसे कह सकते हैं आईएसबीटी। ये जो रैम्प है ये चढ़ने के लिए है, और गोल गोल भी इस रैम्प को ऐसा बनाया गया है कि गोल गोल घूम करके, वो आगे में देख सकते हैं आप, येलो येलो कलर का जो नज़र आ रहा है उससे आप डाउन हो सकते हैं, फिर आगे से भी डाउन होने की सुविधा है। तो ये एक शानदार व्यू। तो बहुत सारी देखिए, भिट्टा मोड़ है, सोनबरसा है, सीतामढ़ी है, रक्सौल है, तो बहुत सारी जगहों के लिए गाड़ियाँ खुलती हैं, आप आकर के यहाँ मालूम कर लें। और ये जो बिल्डिंग है ये शाहपुर जी पालन जी द्वारा बनाया जा रहा है बस स्टैंड। हरियाली के लिए सब चारों ओर जो है कि पेड़ लगाया गया है, देख सकते हैं आप कि लगभग 1.5 मीटर 2 मीटर का पेड़ लगाया गया एकदम कंटिन्यू। और इस तरफ भी आगे में भी, मतलब अगल बगल पेड़ लगाया गया है।
पेड़ तो लगाया गया है, अच्छी बात है, लेकिन पेड़ के बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए जो यहाँ पर मैनेज नहीं किया गया। शायद ये पेड़ की हाइट ज़्यादा नहीं होने वाली है, 3 मीटर से 4 मीटर के बीच में इसे काट दिया जाएगा। हालांकि नीम का भी पेड़ लगा हुआ है तो कम से कम इन दोनों के बीच में 20 फीट का अंतर होता तो अच्छा रहता। और पीछे में भी आपको टर्मिनल बनाया गया है जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी है जो ख़राब हो चुकी है तो पीछे में अपना रिपेयरिंग वगैरह किया जा सके, या फिर जिनको लेट में खुलना है तो वो पीछे भी ले जा करके खड़ा कर सकते हैं। पीछे भी काफ़ी जगह ली गई, आगे से डबल पीछे है। तो पेड़ का आप देख सकते हैं कि जामुन का भी पेड़ है, अमरूद का भी पेड़ है, लेकिन एक डिस्टेंस मैनेज नहीं किया गया है। हो सकता है सिर्फ बिल पास करने के लिए पेड़ लगा दिया गया हो। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसी में से कोई एक वेटिंग हॉल रहेगा, मतलब रहने वगैरह के लिए। वेटिंग हॉल का मतलब जो रात में स्टे कर सके, और मॉल रहेगा, फिर टिकट काउंटर रहेगा, और जो भी बिहार सरकार का या प्राइवेट बसों का देखभाल के लिए जो भी सुविधाएं होंगी तो वो यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, रखा जाएगा। और यहाँ पर लगाया गया है ग्रीन एनर्जी का, देख सकते हैं आप, सेटअप जो कि सोलर प्लेट है, काफ़ी संख्या में लगाई गई है। हालांकि ये पूरी तरीके से सोलर प्लेट पे संचालित नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सकता है गवर्नमेंट चाह रही है कि सरकारी जगह जो भी है वहाँ पर सोलर प्लेट लगाया जा सके। अगर आप लोगों को मालूम हो कि कहीं सोलर प्लेट का लगाया जा रहा है काफ़ी संख्या में, तो हमें कमेंट करें, एग्जैक्ट एड्रेस बताएँ कि मैं वहाँ जा करके उसका अपडेट कर सकूँ। तो पीछे में भी दो टर्मिनल देख सकते हैं आप कि लंबी लंबी बनी हुई है। टर्मिनल का नाम नहीं निर्धारित है कौन कितना नंबर टर्मिनल है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा है। एक पीछे में भी लगाया गया है सीढ़ी जो कि लोग इस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं, इसका भी निर्माण चल रहा है। मजदूर का लगने का टाइम हो चुका है और ऊपर में लग चढ़े भी गए हैं, तो चार, यूँ कहूँ कि टोटल 4 टर्मिनल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 आगे 2 पीछे। तो जैसे इसका कार्य चलेगा मैं कंटिन्यू अपडेट करूंगा। लेकिन वो वाला जो ऑरेंज एंड ब्लू में जो बिल्डिंग है और वाइट में, बड़ा ही खूबसूरत है। और ये तो है, तो इसमें कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग भी रहेंगी ताकि कुछ पैसा रिवेन्यू आ सके गवर्नमेंट को। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके लोहे के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना करके रखे हुए हैं, और अभी भी निर्माण कार्य एकदम स्पीड में। और जो ब्लैक कलर का टंकी देख रहे हैं इस साइड, तो वहाँ तक ज़मीन है, तो अभी भी इस तरफ इतनी जगह है कि एक टर्मिनल और बनाई जा सकती है। तो टर्मिनल का जो सिलसिला है यानी सारी बसें अंदर से खुलेंगी, और तो देख सकते हैं आप, तो टर्मिनल का कार्य चल रहा है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे इसका डेवलपमेंट हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू दिखाता रहूँगा, आप लोग जुड़े रहिए इस तरह का अपडेट पाने के लिए। चलिए और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यही एक छोटा सा अपडेट है, और कंटिन्यू मैं दिखा रहा हूँ अपने बिहार को बढ़ता और किस तरीके से बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ क्या डेवलपमेंट चल रहा है। हर टर्मिनल को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि उसमें लिफ्ट की भी सुविधा हो, सीढ़ी की भी सुविधा हो, और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए ये एक FOB के लिए भी सुविधा दी गई है। और ये भी एक टर्मिनल है, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सीढ़ी भी, जो लाल वाला ये जो देख रहे, देखिए सीढ़ी बना हुआ है इसमें, दूर से नहीं दिख रहा है, देखिए इसमें सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी का धाप बना हुआ है, फिर लिफ्ट की भी सुविधा है। तो कंटिन्यू देख सकते हैं आप, इस तरह भी टर्मिनल का कार्य चल रहा है। मैं और भी दिखाता हूँ आपको, अभी तो मैं एक ही भाग को कवर किया हूँ, फिर एक भाग इधर है तो जहाँ उस तरह का किसी तरह का निर्माण नहीं चल रहा। वैसे मैं बिल्डिंग के चारों ओर घूमा तो अभी भी निर्माण चल रहा है, और ऊपर में अभी किसी तरह का आम लोगों के लिए सुविधा नहीं है, तो कंटिन्यू चल ही रहा है। हर एक दूसरे को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी अच्छा दिया गया है कि लोग अच्छे से कनेक्ट हो जाए और एक से दूसरे में चले जाएं, किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ऐसा ऐसा ये जो देख रहे हैं, तो 4 जगहों पे ये कनेक्टिविटी दिया हुआ है। और ये जो रैंप वाला है तो ये चारों तरफ घुमाया गया है, और नीचे में भी ऑटो वगैरह के लिए फ्यूचर में सुविधा हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर सुविधा लगाई गई है वैसा लग रहा है ये आम गाड़ियों के लिए चढ़ने उतरने के लिए है। वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए आप कि फ्यूचर में कभी आग वगैरह लग जाए तो यहाँ पर वाटर का सुविधा का दिया गया है, फायर ब्रिगेड वाले भी, सब कुछ सुविधा दी गई है। लाइटिंग की भी अच्छी खासी व्यवस्था दी गई है, लिफ्ट वगैरह सब कुछ का इंतजाम किया गया है, काफ़ी बड़ा एरिया में इसे बनाया गया है। और इस तरीके से मैं ऊपर वाले रैंप पर चढ़ रहा हूँ, तो ये 2 फ्लोर ऐसा है जिस पर गाड़ियों का सुविधा रहेगा। देख सकते हैं आगे से भी एक येलो कलर का है कि जिससे निकल सकते हैं लोग, देखिए वहाँ से भी है। तो यहाँ पर सारी सुविधा है, और हर जगह लिफ्ट लगी हुई है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कंटिन्यू। और देख सकते हैं आप, पार्किंग की भी सुविधा यहाँ लिखी हुई है, तो ऐसा लगता है जैसे ये आम गाड़ियों को पार्किंग के लिए रहेगी जो लोग यहाँ पर आएंगे बसेस पकड़ने के लिए। तो मैं सबसे ऊपर वाले भाग पे आ गया हूँ जहाँ कि आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का एक रैंप लगा दिया गया है एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाने के लिए, या किसी तरह का कोई नहीं को बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। और ये बाहर का भाग है जो आप देखिए, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, तो इस तरीके से कई सारी संख्या में बसेस लगी हुई है। तो मैं इसका कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा, बदलाव की तस्वीर आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। और यहाँ पर 5 ब्रिगेड की देख सकते हैं आप गाड़ियाँ भी लगी हुई है, बिहार अग्नि समन।
तो देख सकते हैं आप कि कितनी सुविधाओं से लैस है हमारा प्यारा बस स्टैंड पटना का, जो कि एक अंतर्राज्यीय बस स्टैंड है और यूँ कहूँ कि एक एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया गया कि गाड़ी आप यहाँ पार्क करके लगा करके आदमी को छोड़ सकते हैं, फिर वो जो है कि नीचे जाके गाड़ी पकड़ सकते हैं या उसके जरिए गाड़ी पकड़ सकते हैं। पकड़ने के लिए वही रैंप मेन है जिससे कि लोग ऊपर चढ़ेंगे और उतरेंगे और इस तरीके से गोल गोल चक्कर लगाएंगे पूरे बस स्टैंड का, और वो तो चालू है लेकिन हमारे लिए चालू नहीं, आदमी उस पर चल रहा है जो कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 में जा रहे हैं। तो यूँ लगता है ऐसा कि चार टर्मिनल है तो चारों दिशाओं में जाने के लिए जो है कि गाड़ियाँ लगेंगी यहाँ पे। यूँ कहूँ कि एक तरफ फतुहा साइड जो कि नवादा साइड जाएगा, बिहार शरीफ जाएगा, बेगूसराय साइड जाएगा, फतुहा साइड इस तरफ से, फिर एक तरफ जो है कि हाजीपुर साइड जाएगा, बहादीपुर से छपरा जाए या सीतामढ़ी जाए, एक तरफ बक्सर की ओर जाएगी, अरवल की ओर जाएगी और एक तरफ ये गया की ओर जाएगी। तो चारों दिशाओं के लिए शायद चार टर्मिनल बनाया जा रहा हो जैसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, उस चीज़ को मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट समझेगी कि कौन सा रूट में किस टर्मिनल को रखना है। तो चलिए तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ और इसी तरह का बिहार के डेवलपमेंट को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरी मेहनत कहीं कम बेसी हो तो कमेंट करें, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।